हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। 6.8 थ्योरम में 10th क्लास के 6th चैप्टर में स्टेटमेंट है, इन ए राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। किसी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये थ्योरम आपने पिछली क्लासेस में इस्तेमाल की है, आज हम इसका प्रूफ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम लिख लेते हैं इसका एबीसी। लेट एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी इज 90 डिग्री। गिवन इंफॉर्मेशन में लेट ABC is a triangle. ABC triangle है, in which angle B is 90 degree. Okay? We have to show that to prove. हमें prove करना है AC square equal to hypotenuse। AC है 90 degree के सामने वाली side, hypotenuse कहलाती है। AC square equal to AB square plus BC square, remaining two sides के square के सम के equal है। तो इसके लिए हमें construction की जरूरत पड़ेगी। हम construction करेंगे, यहाँ पर right vertex से एक perpendicular draw कर लेते हैं hypotenuse AC पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं draw BD perpendicular to AC। Okay? अब हम यहाँ पर सिमिलरिटी, जो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी का इस्तेमाल करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। किस तरह से करेंगे, उप सेगमेंट में हम देखिए। तो इन ट्राइंगल एबीबी, ट्राइंगल एबीबी और ट्राइंगल फोर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, एडीबी ट्राइंगल हम शेड कर लेते हैं इसको हाईलाइटिंग के लिए। ADB ट्राइंगल और जो फुल ट्राइंगल है ABC, उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एंगल A जो है वो कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। और दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। ADB ट्राइंगल में एंगल ADB और ABC में एंगल ABC ईच 90 डिग्री। अब किन्हीं टू ट्राइंगल्स में अगर टू एंगल्स इक्वल हो तो एंगल एंगल क्राइटेरियन से वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। सो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में होंगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए डी बी ट्राइंगल की साइड ए डी और ए बी सी ट्राइंगल की साइड ए बी इक्वल है, AD इक्वल है AB के। ओके, और फिर ADB ट्राइंगल की साइड AB अपॉन AB के अकॉर्डिंग ABC ट्राइंगल की साइड AC, इक्वेशन नंबर 1। साइड्स करेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। करेस्पोंडिंग साइड्स का मतलब यह है जैसे ADB में AD है तो इसमें AB ट्राइंगल, ADB और ABC ये एंगल थे, यहाँ पर हम ट्राइंगल का नाम भी उसी हिसाब से लिखा है। तो AD इक्वल टू AD जो है करेस्पॉन्डिंग है AB के, AD और AB का रेशियो, फिर AB और इधर से AC का रेशियो सेम है क्योंकि हमें AB स्क्वायर चाहिए। अब इस इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय AC। इक्वेशन नंबर 1 यहां डाल दूंगा, यहां की हो जाए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास आ गया AB square equal to AD into AC। अब हम ट्राइंगल CDB और फुल ट्राइंगल ABC के बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे, हाईलाइट कर लेते हैं ट्राइंगल CDB, सिमिलर करना है दोनों को। तो इन ट्राइंगल CDB एंड ट्राइंगल फुल ट्राइंगल ABC, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, CDB में एंगल C और फुल ABC में भी C कॉमन है। तो यहाँ पर हमने पहले नंबर पर C लिखा है और एंगल C ही दोनों में इक्वल है तो यहाँ पर भी C लिखेंगे। अब CDB में D एंगल 90 का है और इस ट्राइंगल में B 90 का है तो B
और थर्ड पॉइंट अपने पास बच गया ए। ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल सी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल सी जो है वो कॉमन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ओके, उसके बाद एक एक एंगल 90 डिग्री का है, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी ए इज 90 डिग्री। एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर होंगे। By angle angle triangle CDB is similar triangle CBA। अब triangle similar है तो corresponding sides जो हो proportional होंगी। अब हमें proportional sides कैसे लेने हैं, इधर से CD, CD upon, अब CD के according उस triangle के क्या होगा CB equal to, उसके बाद हमें BC यानी CB का square चाहिए तो इधर हमें CB put करना है। CB जो है CDB triangle में हाइपोटेन्यूज है तो फुल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा CB स्क्वायर इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाय AC, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में तो AB स्क्वायर है और सेकंड इक्वेशन में CB स्क्वायर है और हमें इन दोनों के स्क्वायर का टोटल चाहिए, रिक्वायर्ड हमारा जो प्रूफ है उनके स्क्वायर का टोटल है। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, कैमरा थोड़ा रोटेट कर देते हैं, हम उधर लिखेंगे इस रिजल्ट को। अब ओके, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 ए बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वायर प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास ए डी इंटू ए सी, ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी प्लस CD मल्टीप्लाइड बाय AC। एक बार फिर चेक करना पड़ेगा कैमरा, ज्यादा दूर लिख दिया हमने, नहीं विजिबल है, रीचेबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी अनचेंज रहेगी, AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस से पहले और प्लस के बाद में दोनों जगह पे AC है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। AC इनसाइड AD प्लस CD, AC ब्रैकेट के अंदर AD प्लस CD है। अब फिगर में हम देखते हैं तो AD और CD का जो टोटल है वो AC है, तो यहाँ पर हम AC पुट कर सकते हैं इक्वल टू AC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था कि AC का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के टोटल के इक्वल है। फाइनली वी कैन राइट इट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर या BC स्क्वायर एक ही बात है। तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम जिसका प्रूफ हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करके लिखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई अच्छी तरह से। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपके साथियों को, रिलेटिव को, किसी को मैथ सीखना है, किसी को ज़रूरत है, तो उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।